नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने PVR स्टडी में। मित्रों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती है ना। और दूसरा जो आपने सुना है कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, तो कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। क्लास 6 की NCERT मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.2 चल रहा था और 5 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है लेकिन समझने का थोड़ा सा फेर है। बस समझ लोगे तो सब कुछ आसान है, मैथ बहुत आसान है। चलिए, और हाँ, अगर समझना है तो कम से कम क्लास को 5-7 मिनट देखना। अगर इससे कम देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप 5-7 मिनट देख लोगे तो समझ में आने की पूरी गारंटी होगी। सभी तार्किक क्वेश्चन हैं, रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, है तो ये मैथ। देखना, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। मशीन मतलब मशीन होता है और औसतन मतलब होता है एवरेज, दिन मतलब डे, और पेंच मतलब होता है स्क्रू। जैसे कहते हैं आपके माइंड का स्क्रू जो है ढीला हो गया है, ठीक ना। स्क्रू मतलब जानते हो, जो रेडियो वगैरह में या फिर बहुत से उपकरणों में कसे जाते हैं उन्हीं को स्क्रू बोलते हैं। तो कह रहा कि जनवरी 2006 में उसने कितने पेंच बनाए होंगे। देखो यार, जनवरी 2006 में वो कितने पेंच बनाएगी, इसको कैसे आप काउंट करोगे। देखो, पेंच का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ प्रैक्टिकली, इसी को पेंच बोलते हैं, ठीक ना, इसी को पेंच बोलते हैं। और इनको जिससे खोला और बंद किया जाता है उसे पेंचकस बोलते हैं। ये देख लो, इसको स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है इंग्लिश में ना, यही बोलते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर। और ये होता है पेंच, इसमें लगा के इसको टाइट किया जाता है। अगर किसी का दिमाग ढीला हो तो इसको लगा के कस लोगे ना तो टाइट हो जाएगा। चलिए, ट्राई मत करना। लेकिन जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए, देखिए इसको कैसे हम लोग अंजा देंगे कि कितना बनाया। एक दिन में तो उसने बनाया है कितना, अब आप लिखो, कंपनी ने एक दिन में पेंच बनाए बराबर 2825। अगर पूछता दो दिन में कितने बनाएंगे तो दो गुना कर देते, तीन दिन में पूछता तो तीन गुना कर देते, पाँच दिन में पूछता तो पाँच गुना कर देते। लेकिन कह रहा कि जनवरी में कितने बनाए, तो क्या करोगे, पहले आपको बिना कहे कुछ काम करना है, आपको ये दिमाग लगाना है, सिंपल सा ह्यूमन सेंस जिसे बोलते हैं यूज करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं, हर एक साल की जनवरी में 31 दिन ही होता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब 31 से गुणा करेंगे ना। आप नीचे आप लिखोगे, पहले आपने लिखा मशीन ने एक दिन में पेंच बनाए बराबर इतना, आप नीचे लिखो मशीन ने जनवरी महीने में कुल पेंच बनाए बराबर कितने, इसमें गुणा 31। ना ना ना, सॉरी, ऐसे नहीं, गुणा 31 कर दोगे तो अच्छा नहीं होगा। कुल पेंच बनाए बराबर आप ऐसे लिखोगे 28-25 गुणा 31, बस ये सही है, कुल पेंच बनाए बराबर इतना। ब्रेकेट में लिख लेना समझने के लिए, चूंकि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, इतना पढ़े लिखे हो आप सभी ना, क्योंकि मैं छोटे बच्चे को तो सिखा नहीं रहा हूँ। चूँकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, गुणा कर लेना, मैं गुणा करना नहीं सिखाऊंगा, चूँकि आप क्लास 6 में पहुँचे हो तब भी कर लोगे, और हमने 5 तक की मैथ में गुणा करना भाग करना बता दिया है। 31 से गुणा कर लोगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान देना, हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता गुणा भागना, तो आप 0 लेवल में और पीछे जाके देखो, और पीछे मतलब 5-4 वाली 3 वाली मैथ देखो, उसमें हम आपको गुणा करना भी सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखना इसमें का साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और सुनोगे तो शायद ही आपको कोई परेशानी ना होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया था। कितना रुपया था, 78,592 रुपया था। उसके बाद आगे क्या किया उसने, उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर कर दिया। भाई पैसा होती है तो ज़रूरतें और इच्छाएं भी बढ़ती हैं, तो उसने सोचा चलो कुछ थोड़ा धूम धड़ाका करते हैं, तो रेडियो के लिए ऑर्डर कर दिया। अब देखना, फिर से, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया था, उसने रेडियो 40 रेडियो खरीदने का
ऑर्डर किया, कितना रेडियो, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर किया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200 रुपया था, क्योंकि अब 200 वाला जमाना चला गया है ना, मॉडर्न व्यापारी था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी शेष राशि बचेगी, कितना रुपया बचेगा, ये बताना है। अब आप सोचो कैसे गुणा गणित करोगे, क्या करना है, बस यही जानना जरूरी है। मैं आपको बहुत आसान लहजे में समझाऊंगा, कभी ना भूलोगे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे दिमाग में उतनी बार बैठेगा। ये मत सोचना बार बार काहे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीज़ें इसमें की आपके दिमाग में आएंगी। फिर से पढ़ो, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, उसने 40 रेडियो खरीदने के लिए ऑर्डर किया, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, तो बताओ कि अब व्यापारी के पास कितना रुपया बचा, मतलब खरीदारी करने के बाद कितना बचेगा। जैसे आप शॉपिंग करते हो, लगभग हर कोई करता होगा, चाहे बॉयज है या गर्ल्स हैं, कुछ ना कुछ अपने अपनी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, लोग मंगाते रहते हैं। तो आप लोग के बैंक में कुछ पैसा होता है, अमाउंट होता है भाई, कुछ लोगों के लाखों में होता है, कुछ लोगों के हज़ारों में होता है, कुछ लोगों में सौ में होता है, सैकड़ों में। तो जब आप खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जो पैसा डिवाइड होता है आपके अकाउंट से, उसके बाद कुछ बचता है ना, तो बस वही हिसाब इसमें बताना है। कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल समझ लो छोटा सा, इधर साइड में ये व्यापारी व्यापारी किनारे रख दो। हम लोग छोटे आदमी हैं, छोटी छोटी बात पहले शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था, और हमने क्या किया, 100 रुपया में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाएंगे, हम मान लो कि 20 पेन का ऑर्डर किए। क्या किया हमने, हमारे पास 100 रुपया था, हमने 20 पेन का ऑर्डर कर दिया, और प्रत्येक पेन का जो मूल्य था वो 5 रुपया था, 5 रुपये वाली सस्ती वाली पेन हमने क्या किया, ऑर्डर किया, मतलब ये छोटी वाली, ठीक। अब हमें ये बताना है, आपको बताना है इसको, कि फिर हमारे पास कितना रुपया बचेगा। चलो बताओ कितना रुपया बचेगा, हमारे पास 100 रुपये थे, हमने 5-5 रुपये वाली 20 पेन ऑर्डर कर दिया, अब बताओ हमारे पास कितना रुपया बचेगा। आप सभी इसको बता लोगे आसानी से ना, बता लोगे ना। अगर आप इसको बता लोगे तो फिर इसको बताने में काहे नानी मर रही है भाई, नानी नहीं मरनी चाहिए, बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, आप ये जानते हो कि प्रत्येक पेन 5 रुपये की मिलेगी, और हमने मंगाए 20 पेन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कुल कितने की शॉपिंग किया गया, इसको आप निकालोगे है ना, फिर कुल कितना रुपया था उसमें से घटा दोगे, जो होगा वही बच जाएगा। तो कुल शॉपिंग कितने की हुई, 20 का 5 में गुणा करो, 20×5=100 रुपया की हमने शॉपिंग किया, और 100 ही रुपया हमारे पास थी, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 100 घटाएंगे, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। वैसे भी हमारे पास कुछ बच नहीं पाता है, ये बहुत बुरी आदत है, तो बस वही हुआ जिसका मुझे डर था, है ना, समझ गए ना, इसका मतलब एक भी रुपया नहीं बचेगा। तो अब रुपया बचे या ना बचे उससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि ये सवाल कैसे लगेगा, क्या करोगे। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको हल करने का तरीका बताता हूँ। आप लोग पहले लिखोगे, लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, हल लिखो। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है यार, ये काम काहे नहीं कर रही भाई, काहे को मुसीबत हो रही है। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन लिखो, हल डाल के लिखो, हल मतलब वो लिखने वाला। व्यापारी के पास कुल रुपए बराबर 78,592 लिखा, व्यापारी के पास कुल रुपए बराबर 78,500। नीचे लिखिए, व्यापारी ने कुल शॉपिंग की या फिर खरीदारी की, खरीदारी नहीं समझोगे, शॉपिंग सब समझते हैं, है ना। व्यापारी ने कुल खरीदारी की बराबर कितने की, भाई 40 रेडियो खरीदा था 1200 रुपया वाला, तो कितने की खरीदारी किया, वो मल्टीपल कर लो, 12×48, यानी वो व्यापारी इसी मूड में 48,000 का रेडियो मंगा लिया। आप नीचे लिखो, व्यापारी के पास शेष धनराशि, लिखो भाई साहब लिखो, यहाँ पे कुछ मनोरंजन वाला काम नहीं होने वाला है, बहुत ही गड़बड़ क्लास है ये, काम करना पड़ेगा यहाँ पर, हम लिख के नहीं दिखाएंगे, सबकी छाप लो फटाफट, बस दिमाग नहीं ले, लिख दें और उतार लो, दिमाग हिलाना पड़ेगा यहाँ पे। व्यापारी ने कुल खरीदारी की, हो गया 48,000 का, व्यापारी के पास से धनराशि बराबर 78,592 माइनस का 48,000,
घटा लो। देखो यार सिंपल सी बात है, घटाने का ये एक फंडा अपना लो, 48,000 में से सॉरी 78,000 से जब 48,000 घटाते तो कितना आता पता है? 30,000 आता, क्योंकि 48,000 में 30,000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78,000, 30,000 आता ना। लेकिन लफड़ा ये 592 का है तो ये 592 साथ में बच जाएगा, घटा लोगे तो हमारे पास आएगा 30,592 रुपया। यानी इतना अच्छा व्यापारी था वो, काला धन वाला था या ब्लैक धन वाला था, लेकिन कैसे भी था कि इतना खरीदारी के बाद भी उसके पास ढेर सारा पैसा बच गया, 30,592 रुपये, है ना। नोट कर लो, जल्दी से छाप लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब। और हाँ, कॉपी अगर लिए हो या नहीं लिए हो, लिखोगे तो अच्छा होगा। वो कहावत तो सुने हो ना पुरानी वाली, पढ़वा लिखवा तो होबा खराब, खेलवा कूदवा तो बनवा नवाब। तो भाई वो ज़माना अब चला गया है, क्योंकि अब जो नवाब है ना वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग पढ़ना लिखना सीख लीजिए, और जो चीज़ें हम यहाँ लिखें उसे उतारा करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारे बताने वाली बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। अगर पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लास शाम को 7:30 बजे से PVR स्टडी प्रयागराज पर लाइव होगी, हमेशा जब तक हम रहेंगे जिंदा, कोशिश यही रहेगी। हाँ बाकी टाइम वाइम बदल जाए अगर रहेंगे, हो सकता है कभी तो अलग बात है, हो सकता है चले जाएँ तो अलग बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जिसके पास बुक नहीं है उसको शोक नहीं मनाना है, बुक नहीं है तो आप लिख सकते हो सवाल, अगर बुक है तो आप बहुत अच्छे हो, देख लो ना लिखो। NCERT बुक है, कक्षा 6 की बुक है, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक विद्यार्थी ने 7236, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 7236, क्या किया इसने इतने में? भाई विद्यार्थी है तो थोड़ा अमाउंट होगा, 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। देख लो आप ही लोगों का काम कर रहा है ये। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर क्या किया? 65 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन लिखते जाओ, एक बार फिर से सुन लो। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? चलो बताओ, उसका उत्तर जो है वो सही उत्तर से कितना अधिक था? कुछ समझ में आया? नहीं लिख पाए वीडियो पीछे करके लिख लो, एक बार फिर से सुन लो, दिमाग पक जाएगा सुनते सुनते। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका जो उत्तर आया वो सही उत्तर से कितना ज़्यादा था? देख लो, एक छोटा सा अमाउंट देख लो, छोटा पैक। जैसे अगर हमें गुणा करना है 6 में 3 से, ठीक ना, तो 18 आता है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता हमारा दिमाग ऑफ हो गया, हमने इसमें 5 से गुणा कर दिया तो ये 30 आ गया। अब सही उत्तर तो 18 है क्योंकि हमें 3 से करना था, लेकिन हमने मिस्टेक करके 5 से करके 30 ले आया, तो लेकिन जो हमारा उत्तर आया है वो सही उत्तर 18 से कितना ज़्यादा है? समझ गए होंगे, छोटा सा पैक है तो छोटा समझ गए होंगे कि भाई 30 से घटा लो 18 कितना आएगा? 12 आएगा ना, मतलब हमारा उत्तर इस सही उत्तर से 12 अधिक था ना। कुछ दिमाग में आया? बसा दिमाग में ना, अब कर ले जाओगे आप उसको, कर ले जाओगे ना। क्या करोगे? सबसे पहले आप इस नंबर को 56 से गुणा करो, लेकिन वो तो कह रहा था 65 से कर दिया ना, पहले 65 से कर लो, देखो गलत उत्तर कितना आया। 65 से गुणा करोगे जितना आएगा, फिर 56 से गुणा, सॉरी पहले 65 से गुणा कर लो इसको, दो जगह करोगे अलग अलग, यार कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट देखो, थोड़ा सा रुकना, ठहरना जरा। इसमें लिखो, लिखने वाले तरीके में लिखो, दी गई संख्या बराबर 7236, अब नीचे लिखो विद्यार्थी को प्राप्त गलत उत्तर बराबर, विद्यार्थी को प्राप्त गलत उत्तर बराबर कितना प्राप्त होगा, गलत उत्तर कितना प्राप्त होगा उसे? 7236 गुणा 56 करो, ठीक है गुणा कर लो, गलत उत्तर कितना प्राप्त होगा जो भी आएगा आगे लिखना, हो जाएगा ना ये आगे, ये गलत उत्तर हो गया। नीचे लिखो, अगली लाइन में नीचे लिखो, विद्यार्थी को प्राप्त सही उत्तर बराबर, विद्यार्थी को प्राप्त, या फिर विद्यार्थी को प्राप्त नहीं लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे सही उत्तर,
क्योंकि विद्यार्थी ने तो सही उत्तर लाया ही नहीं था। सही उत्तर बराबर 72,000 यार 65 से गुणा कर दिया था 56 के स्थान पर, तो यहाँ पे 65 करोगे, देखो हमारा भी दिमाग थोड़ा डिसमिस हो रहा है, ये 65 से करोगे क्योंकि गलत उत्तर 65 वाला ही होगा ना, 56 के स्थान पर उसने किया था, मतलब सही उत्तर क्या होगा, इसको जो 56 से गुणा करोगे अब जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। अब नीचे लिखो आगे क्या पूछा था, कह रहा था कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, विद्यार्थी का उत्तर और सही उत्तर में अंतर बराबर, विद्यार्थी का उत्तर और सही उत्तर में अंतर बराबर, लिखो जल्दी से, हो गया इतना, पहले आप गुणा करके जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा, ये क्या क्या करना है, 72 36 का गुणा करना है, किस में, 56 में करना है, तो 72 36 का गुणा कर लो 56 में, 405 216 आएगा भाई, कैलकुलेटर से ना करना आप लोग, हमने तो कैलकुलेटर से कर दिया ठीक ना, क्योंकि मैं इसको सिखाया हूँ आपको करना, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाया हूँ कक्षा 5 तक, अब आप बड़े हो गए हो ठीक ना, तो कर लेना, हो गया लिख लो जल्दी से, आगे चलें फिर। अब क्या करोगे, 65 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, कर लो जल्दी से फटाफट, इतना आएगा ना अंतर बराबर, लिख लो ये 470 340 इसमें से माइनस घटाओगे 405 216 जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर आएगा, घटा लो, घटा तो सकते हो ना, इसमें तो कोई बीमारी नहीं है ना घटाने में, घटा सकते हो ना इतना, ओके बहुत अच्छे हैं आप सभी, चलिए ठीक है वेरी गुड, घटा लीजिए आप सभी, 405 घटाना है किसमें से 216, ये यही घटाना है ना, 65,124 आएगा, यानी कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया था, क्या किया था, 65,224 का उत्तर उसने मतलब कम ज़्यादा कर दिया था, बात समझ में आई ना, आएगी धीरे धीरे आएगी, दौड़ के नहीं आएगी, अगर क्लास हर दिन देखोगे तो पक्का आएगी यार, कहीं नहीं जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वैसे बहुत कम है, वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ अच्छा और कुछ बेहतर दिया जाए। और हाँ, अगर आपने PVR स्टडी 4.0 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है जो काफ़ी मज़ेदार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम सब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 9 नंबर क्या है, ध्यान देना, कह रहा एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। देखो ये आप सभी के लाइफ का क्वेश्चन है, क्या करना है, कुल कपड़ा लिखो इसमें, 9 नंबर सवाल डालोगे इसमें लिखोगे कुल कपड़ा, कुल कपड़ा कितना है भाई, 40 मीटर है, लफड़ा ना करना इसमें, साफ साफ लिखना कपड़ा ठीक है, कुल कपड़ा 40 मीटर, एक कमीज सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं, कितना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, जो लोग दुकान उकान वाले होंगे वो समझ गए होंगे, काफ़ी धांधली भी किए होंगे आप लोगों ने है ना, 15 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा सा डिसमिस करके दिए होंगे, बताइए कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 40 मीटर कपड़े का एक गट्ठर है बड़ा सा, बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैंने वैसे कहा मजाक में, उसमें से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के ऐसे ऐसे काटने हैं टुकड़े, अब बताओ कि कितने कमीज बन जाएंगे, कितने टुकड़े हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे, पता है आपको, पहले आप यार सिंपल सी बात है, एक काम वो करो कि आप जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि और कुछ होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ना, मिली सेंटी डेसीमीटर है ना, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, मिली सेंटी डेसीमीटर तीसरे नंबर पे आता है, इसका मतलब 100 होगा ना, तो आप ये पहले निकाल लो कि 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा,
40 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये निकाल लो। तो देखो यार, 40 मीटर में 100 से इसको गुणा कर दोगे तो आप जानते हो कि हमारे पास जो कपड़ा था, मतलब ये 4000 सेंटीमीटर था। कितना था? 4000 सेंटीमीटर था। इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल लोगे, इसको भी आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में बदल लोगे। आप नीचे यहाँ लिखोगे, पहले लिखो कुल कपड़ा बराबर इतना, फिर नीचे लिखो एक कमीज में लगने वाला कपड़ा बराबर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर। पहले लिखा कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना। एक कमीज में लगने वाला कपड़ा बराबर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो। अब चुपचाप बताओ जल्दी से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और प्लस ये 15 यानी कि 215 सेंटीमीटर। एक कमीज में कितना कपड़ा लगेगा? 215 सेंटीमीटर लगेगा। तो अब काहे लिए मुसीबत है? अब कोई मुसीबत नहीं है, भाग कर लो इसी से, इसको बस हो गया, आंसर आ गया आपका। भाग करना आप सभी जानते हो ना, कर लो जल्दी से। 4000 में किससे भाग करना है? 215 से करना है। कर लो जल्दी से फटाफट, कितना आएगा भाग करके बताना। जितना आएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितनी कमीजें बनेंगी? जो आएगा वो होगा कमीजों की संख्या, लगभग 18 कमीज बनेंगी। कितनी बनेंगी? 18 कमीज के लगभग बनेंगी। और बचेगा कितना कपड़ा? जो शेषफल आएगा वही कपड़ा उतना बचेगा। और किस में बचेगा? वो सेंटीमीटर में बचेगा। बात समझ रहे हो ना? भाग करके देखना और बताना कितना आएगा। जो ऊपर आएगा भागफल, भागफल बराबर वो होगा कमीजों की संख्या। इतनी कमीजें बनेंगी, लगभग 18 कमीज बनेगी, मुझे मालूम है लगभग में शायद इतना ही बनेंगी ना, हाँ 18 कमीज बनेंगी। लेकिन बचेगा कितना शेषफल? भाग करके बताना, लगभग 600 सेंटीमीटर बचेगा कि 60 सेंटीमीटर बचेगा, कुछ बचेगा, भाग करके बताना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं अगला 10वां क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टाइम की काफ़ी कमी है यार, तो टाइम की काफ़ी समस्या होने की वजह से हम 10वां क्वेश्चन आपको आज नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको कल ज़रूर बताएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप एकदम लल्लू लाल हैं मैथ में, तो आप बहुत अच्छे बन सकते हैं मैथ में। बस इतना जान लीजिए, हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, हमारी कोशिश होती है कि आप बोर ना हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि भाई सिर पकड़ के बैठ जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने का मतलब आपका तन मन सब कुछ चलना चाहिए, तभी पढ़ाई होती है, और वो पढ़ाई में ही चलना चाहिए, लेकिन और ज़्यादा कहीं नहीं। ये नंबर नोट कर लीजिए, जिनको कोई इंक्वायरी लेना है आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 घंटे में कभी भी, लेकिन हाँ वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल नहीं करिएगा। और PVR स्टडी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, अगर अभी तक नहीं किया तो, जिससे कि आपको सारी क्लासें एक जगह पर मिल सके, क्योंकि हमारी सभी क्लासें YouTube पर आपको कभी नहीं मिलेंगी, YouTube पर नहीं मिलेंगी। आप हमें ऐप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी क्लासें इकट्ठा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा PVR स्टडी को आप Facebook पर लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें, जिसकी लिंक हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप हमें Facebook पर PVR स्टडी लिख करके सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पर सर्च करें और फॉलो करें, लाइक करके सब्सक्राइब करें। और हाँ, दोस्तों को इस क्लास को अगर आप शेयर करेंगे तो एक वादा ये है हमारा कि आपको हम लगभग में बहुत सारी फ्री की क्लासें YouTube पर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए। आप लोग अपने जो भी मित्र हैं सबको इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर जो हमें करना है उसको हम करेंगे। थैंक यू।